छत्तीसगढ़ के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कंपटीशन कम्युनिटी अपने ऑनलाइन कोर्सेज और बुक्स पर देने जा रहा है फ्लैट 50% का डिस्काउंट। यह ऑफर सिर्फ 3 दिनों के लिए होगा, 13, 14 और 15 अक्टूबर। तो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमारे इस ऑफर का लाभ उठाएं और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम पिछले सप्ताह का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 30 सितंबर तक के छत्तीसगढ़ के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे उन सब का एनालिसिस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक के छत्तीसगढ़ के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे उन सब का यहाँ एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा पिछले लेक्चर में हमने जितने टॉपिक्स एनालिसिस किए थे उस टॉपिक्स के आधार पर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे ताकि आपका रिवीजन साथ में होता चले। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले अगर इस लेक्चर का आपको पीडीएफ चाहिए तो इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मिलेगा यहाँ टेलीग्राम चैनल पे। हालांकि मैं पीडीएफ अवेलेबल नहीं करवाया करता था, लेकिन आप लोगों की तरफ से जो डिमांड आया उसके आधार पे अब मैं पीडीएफ भी पिछले लेक्चर से अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा कंपटीशन कम्युनिटी, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन के लिए या फिर कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए आप हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तीनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियोज अगर पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ अच्छा लगे या फिर अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मार्च 2020 के आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में कुपोषित बच्चों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 12%, 12.8%, 13.8% या 14%? ये जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है पिछले लेक्चर में एनालिसिस किया हुआ है। तो अगर अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखा है ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, पिछला वीडियो देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में दें। तो ये था पहला क्वेश्चन, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में जातिगत आरक्षण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किस पहचान पत्र को आधार बनाए जाने का फैसला लिया गया है? आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी या फिर ऑल ऑफ दी अबव। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी नंदिनी की लाइमस्टोन माइंस छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? दुर्ग, रायपुर, कोंडागांव या फिर बीजापुर? इसका जवाब भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और यहाँ क्वेश्चन वही पूछा जाता है जिसका मैक्सिमम चांसेस होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये तो परीक्षा में पूछा ही जाएगा, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जाता है, तो आंसर आप जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुछ एक्ट में, कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है। तो कौन कौन से एक्ट में किस प्रकार से अमेंडमेंट किया गया है उसे देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर है छत्तीसगढ़ स्टेट अदर बैकवर्ड क्लास अमेंडमेंट बिल 2020, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक 2020। इसके अनुसार जो इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं वो अपने पद पर तब तक रहेंगे जब तक सरकार चाहेगी। यानी कि इस एक्ट में सरकार ने ऐसा संशोधन किया है कि इस आयोग के जो अध्यक्ष हैं या फिर जो सदस्य हैं वो तभी तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक सरकार चाहेगी। कहने का मतलब है कि उनको उनके पद से सरकार जब चाहे तब हटा सकती है, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। इनका कार्यकाल निर्धारित होता था, लेकिन अब इस संशोधन के तहत राज्य सरकार जो है इन्हें जब चाहे तब इनके पद से हटा सकती है, चाहे वो इस आयोग के अध्यक्ष हो चाहे वो इस आयोग के सदस्य हो। और यह जो संशोधन किया गया है ये किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 की जो धारा 4 है और इसकी उपधारा 1 है, इसी को संशोधित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा हम यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन के बारे में कि आखिर इसका गठन कब किया गया। तो इसका गठन, अगर वन वर्ड में आंसर आप लेना चाहो तो इसका गठन 2007 में किया गया था। और यह किस अधिनियम के तहत किया गया था? छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2002 के तहत किया गया था। यही जो 1995 वाला अमेंडमेंट है, इसी को अमेंड किया गया वर्ष 2002 में, और इसी को अमेंड करके छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है
वर्ष 2007 में किया गया। तो ये हो गया पहला संशोधन। इसके बाद दूसरा संशोधन है छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग संशोधन विधेयक 2020, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स से संबंधित जो हमारे प्रदेश में कमीशन है इससे संबंधित भी यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया है। इसके अनुसार अब इस कमीशन में 6 अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। 6 अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति का मतलब है कि ये जो सदस्य होंगे वो सरकार से संबंधित नहीं होंगे, यानी कि सरकार से इनका कोई लेना देना नहीं होगा। सरकार इनको इस जाति के ज्ञान के आधार पर या फिर नॉलेज के आधार पर अपॉइंट करेगी। अगर इस क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हों तो इनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। 6 सदस्य होंगे, लेकिन अभी इस आयोग में वर्तमान समय में अगर मैं सदस्यों की संख्या बताऊं तो 3 सदस्य अभी वर्तमान समय में हैं जो कि शासकीय सदस्य सरकारी सदस्य होते हैं। अब 6 अशासकीय सदस्य नियुक्त किए जाएंगे जिसमें से एक जो हैं वो अध्यक्ष होंगे जिनको चेयरपर्सन कहा जाएगा और एक उपाध्यक्ष होंगे जिनको वाइस चेयरपर्सन कहा जाएगा और इसके अलावा 4 सदस्य भी होंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा 6 अशासकीय सदस्य हो गए, इसके अलावा 3 जो परमानेंट इसके सदस्य हैं यानी कि शासकीय सदस्य हैं, तो इस मिलाकर इस आयोग के अब 9 सदस्य होंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, इस अमेंडमेंट के तहत जो ये 9 सदस्य होंगे कुल मिलाकर, इस 9 सदस्य में से कम 4 सदस्य जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए। क्लियर है? और यह संशोधन जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 के धारा 3 में किया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन का भी जो अमेंडमेंट है हमने देख लिया और यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स का भी जो अमेंडमेंट है वो भी हमने देख लिया। ठीक है, इसके बाद आ जाता है शेड्यूल कास्ट का अमेंडमेंट। इसमें भी अमेंडमेंट किया गया है, सेम अमेंडमेंट है। इसमें भी अभी वर्तमान समय में 3 शासकीय सदस्य हैं यानी कि सरकार के सदस्य हैं और अब यहाँ पर 6 अशासकीय सदस्यों को भी जोड़ा जाएगा। इनकी भी क्राइटेरिया वही होगी कि अगर इस क्षेत्र से विशेष ज्ञान रखते हैं तो इनको सरकार नियुक्त कर सकती है। इसमें भी एक प्रेसिडेंट होंगे यानी कि चेयरपर्सन होंगे और एक वाइस चेयरपर्सन होंगे, इसके अलावा 4 सदस्य होंगे। और इस प्रकार से इस कमीशन में भी टोटल सदस्यों की संख्या 9 हो जाएगी और इस 9 सदस्य से कम जो हैं 4 सदस्य यहाँ पर मूल रूप से अनुसूचित जाति के होने चाहिए। और यह जो अमेंडमेंट है वो है छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 1995 की जो धारा 4 है इसका संशोधन है। और ये जितने भी मेंबर हैं, चाहे शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर हो गए, चाहे शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन के मेंबर हो गए, चाहे अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन के मेंबर हो गए या फिर शेड्यूल कास्ट कमीशन के मेंबर हो गए, ये सारे मेंबर अपने पद पर तभी रहेंगे जब राज्य सरकार चाहेगी और राज्य सरकार जब चाहे इनको अपने पद से हटा सकती है। तो ये हो गया तीसरा संशोधन। इसके बाद जो चौथा संशोधन है छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक 2020, इसके अनुसार भी सेम कंडीशन लगाया गया है कि एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और इसके अलावा 4 शासकीय सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी और ये भी अपने पद पर उसी आधार पर रहेंगे जब तक सरकार चाहेगी और सरकार जब चाहे इनको पद से हटा सकती है। और यह जो संशोधन है छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1996 के धारा 3 के तहत किया गया है। तो इस तरह से टोटल 4 महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है, चाहे शेड्यूल ट्राइब से संबंधित हो, चाहे शेड्यूल कास्ट से संबंधित हो, चाहे अदर बैकवर्ड क्लास से संबंधित हो या फिर अल्पसंख्यक आयोग से संबंधित हो। तो चारों अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। सब में एक कॉमन सी बात थी कि 6 अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी और इसमें से जो 4 सदस्य हैं वो उसी क्षेत्र के होने चाहिए और वो अपने पद पर तब तक रहेंगे जब तक सरकार चाहेगी। तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक। इसके बाद जो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। अगर आप मुझसे बहुत लंबे समय से पढ़ रहे होंगे तो इस टॉपिक को मैंने पहले भी पढ़ाया था। 2019 का शीतकालीन सत्र यानी कि विंटर सेशन जब हमारे विधानसभा का चल रहा था 2019 में, तो अनाउंसमेंट किया गया था महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय के गठन का। इस विश्वविद्यालय का गठन जो है वो सांकरा पाटन में किया जाएगा और ये क्षेत्र जो है दुर्ग जिले में आता है। अब न्यूज़ में इसीलिए है कि महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर यानी कि 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री द्वारा
इस विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया गया है। तो क्लियर रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय का जो निर्माण है वो कहाँ किया जा रहा है, या विश्वविद्यालय का गठन कौन से जिले में किया जा रहा है, कौन से क्षेत्र में किया जा रहा है, तो सबसे महत्वपूर्ण है सांकरापाटन, जो कि दुर्ग में स्थित है। और इस साल के बजट भाषण में इसके लिए बजट एलोकेट किया गया है, और इसका बजट जो है लगभग 55 करोड़ रुपए का है। और इसके साथ में ही 4 उद्यानिकी कॉलेज के स्थापना की भी घोषणा की गई है। वो अलग अलग कॉलेज होंगे जो कि सभी के सभी इसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आएंगे। देखिए, इस विश्वविद्यालय के गठन से उद्यानिकी के क्षेत्र में क्रांति आ सकता है। कैसे आ सकता है, अगर छत्तीसगढ़ के आंकड़ों के आधार पर देखें तो मैं यहाँ पर आपको वर्ष 2018 और 19 के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दे रहा हूँ, जिसमें से उद्यानिकी के क्षेत्र में अगर देखोगे सब्जियों का उत्पादन किस प्रकार से होता है, कितने हेक्टेयर में होता है। तो सब्जियों का अगर हम उत्पादन देखें तो उससे पहले आप क्षेत्र देख लो कि छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्र में जो है वो सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। तो 4,91,224 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जियों का उत्पादन किया जाता है छत्तीसगढ़ में। इसमें से लगभग 68,90,000 मीट्रिक टन जो है वो सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार से अगर मैं मसालों की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में 93,588 हेक्टेयर में मसालों का उत्पादन किया जाता है। और अगर हम उत्पादन की बात करें तो लगभग 6,59,000 के आसपास, यानी कि मीट्रिक टन के आसपास जो है मसालों का उत्पादन किया जाता है। ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है, 2018-19 का आंकड़ा है। इसके अलावा अगर हम औषधीय पौधे की बात करें तो लगभग 8,865 हेक्टेयर में औषधीय पौधों का उत्पादन किया जाता है, और लगभग 58,000 मीट्रिक टन के आसपास औषधीय जो फल होते हैं उनका उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम सिर्फ फल की बात करें तो 2,56,776 हेक्टेयर में छत्तीसगढ़ में जो है वो फल का खेती किया जाता है, और इसके बाद 25,42,000 मीट्रिक टन के आसपास इनका उत्पादन होता है। तो आप कह सकते हो 2018 और 19 के आंकड़ों के आधार पर कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी का उत्पादन होता है, और अगर इस प्रकार से यूनिवर्सिटी का गठन हो जाता है तो इस यूनिवर्सिटी के गठन के बाद छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी से संबंधित जो रिसर्च है वो बढ़ सकता है। इसके अलावा किसानों को फायदा हो सकता है, नए नए तकनीक मिल सकते हैं। तो यह यूनिवर्सिटी उद्यानिकी के क्षेत्र में आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में क्रांति ला सकती है। तो इस बात को क्लियरली आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैंने बोला कि 4 उद्यानिकी कॉलेज भी खोले जाने हैं जो कि इसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आएंगे। ठीक, चलिए क्लियर है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है गांधी ग्राम की स्थापना। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गांधी ग्राम की स्थापना कहाँ की जाएगी, उसके बाद हम समझेंगे कि गांधी ग्राम आखिर है क्या। तो गांधी ग्राम की स्थापना जो है वो किया जाएगा कांकेर जिले के कुलगांव में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि गांधी ग्राम की स्थापना जो है वो छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कुलगांव में किया गया है, और इसका स्थापना जो है कांकेर जिला प्रशासन और वन मंडल कांकेर द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर किया जा रहा है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि गांधी ग्राम क्या है। तो गांधी ग्राम जो है वो मूल रूप से ग्रामीण विकास एवं कौशल उन्नयन, यानी कि स्किल अपग्रेडेशन का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना है। कहने का मतलब ये है कि उस क्षेत्र के जितने भी गांव हैं और उस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनको अलग अलग स्किल प्रोवाइड करवाया जाएगा, उनकी एबिलिटी के हिसाब से उनको स्किल प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अलावा रूरल एरिया के डेवलपमेंट पर भी काम किया जाएगा। कुल मिलाकर इस गांधी ग्राम में लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, लोगों को स्किल प्रोवाइड करवाया जाएगा, वन संसाधन से संबंधित यानी वन उपज से संबंधित उनको जानकारी दिया जाएगा, सारी सुविधाएं दी जाएंगी ताकि वो अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से बेच सकें और अपने प्रोडक्ट का बेहतर तरीके से उत्पादन कर सकें। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि गांधी ग्राम जो है वो एक प्रशिक्षण केंद्र होगा जिसकी स्थापना जो है वो कांकेर जिले के कुलगांव में किया जाएगा। तो याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोर बिजली ऐप। इस ऐप को तैयार किया है छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी ने, और ऐसा दावा किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर इस तरह से
बिजली से संबंधित एप्लीकेशन तैयार किया गया है, जहां पर कंज्यूमर को जो है वो सारी जानकारी दी जाएगी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, चाहे उसका कितना बिल आया या फिर कितने यूनिट का कितना चार्ज लगता है, ये सारी जानकारी। और यहां पर वितरण कंपनी का दावा है कि लगभग 90% तक की जानकारी जो है वो कंज्यूमर को इस ऐप के माध्यम से दिया जाएगा। और हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मोर बिजली मोर ऐप का शुभारंभ किया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक शब्द आया, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ जनरल स्टडी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत गठित किया गया CSEB यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और इसके अंतर्गत में 5 कंपनियां जो हैं वो वर्क करती हैं। सबसे पहला है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, दूसरा है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, तीसरा है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, चौथा है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, और पांचवा है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। तो CSEB के अंतर्गत में ये 5 कंपनियां वर्तमान समय में कार्यरत हैं, और ऐसी मांग भी उठ रही है कि 5 कंपनियों को मर्ज करके एक बना दिया जाए, ताकि इन कंपनियों का जो नुकसान है वो कम किया जा सके। और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड इस नाम से ये कार्यरत है वर्ष 2009 से, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे थे मोर बिजली ऐप के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बारे में भी। तो इस तरह से यहां पर ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नरवा विकास योजना के बारे में है। आपको पता है पिछले वर्ष बजट भाषण में एक योजना का अनाउंसमेंट किया गया था, महत्वाकांक्षी योजना थी सुराजी ग्राम योजना। उस योजना के तहत 4 कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी। इसमें से आपने गरवा के बारे में बहुत सुना होगा, गांव में गौठान बनाए जा रहे हैं पशुओं को एक जगह पर सुरक्षित रखने के लिए। उसके बाद इसमें जो सबसे पहला शब्द था नरवा, नरवा का कहने का मतलब है कि जो शहरों के आसपास में, ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास में, जंगलों के आसपास क्षेत्र में जो छोटे छोटे नाले हैं या फिर जो छोटी छोटी नदियां हैं, इनको पुनर्विकसित का कार्य जो है वो नरवा के तहत किया जा रहा है। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक टारगेट दिया और एक आंकड़े भी प्रस्तुत किए कि हमने नरवा के तहत इतने सारे कार्य किए हैं। तो जो नरवा के तहत कार्य किया गया है प्रदेश में, वो कैंपा के तहत किया गया है। कैंपा के बारे में आगे मैं बताऊंगा, बस यहाँ पर आप इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। कैंपा का मतलब होता है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एंड कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसके अंतर्गत वर्ष 2019 और 20 में 137 नरवा का चयन किया गया प्रदेश सरकार द्वारा, जिसकी जो कुल लागत थी वो 160.95 करोड़ रुपए थी। और इसके तहत 31 वन मंडल, 1 राष्ट्रीय उद्यान, 2 टाइगर रिजर्व और 1 एलिफेंट रिजर्व और 1 सामाजिक वानिकी क्षेत्र में कुल 12,56,000 भू संरचनाओं में 10,77,000 संरचनाएं निर्मित की जा चुकी है। यानी कि कहने का मतलब है जो ये टाइगर रिजर्व्स हो गए या फिर नेशनल पार्क्स हो गए या फिर और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, इस तरह से कुल मिलाकर यानी कि 137 जो नरवा है उसका चयन करके यहाँ पर भूजल संरचनाओं को विकसित किया गया है कैंपा के तहत, और कैंपा के अंतर्गत में नरवा के लिए कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार से जो टारगेट था उसका 86% जो टारगेट है वो पूरी तरह से कार्य कर लिया गया है। कौन से वर्ष के लिए? 2019 और 20 के लिए। अब आगे के, तो आगे के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है और नरवा के तहत और नरवा योजना के तहत कैंपा के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के लिए 209 करोड़ रुपए की राशि जो है वो भूजल संरक्षण के लिए स्वीकृत की गई है, और इसके तहत प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व, 2 नेशनल पार्क और 1 एलिफेंट रिजर्व और 151 छोटे बड़े नालों को भी शामिल किया गया है। तो नरवा से संबंधित यानी कि जल संरक्षण से संबंधित जो प्रदेश सरकार द्वारा नरवा योजना चलाई जा रही है, उस नरवा की योजना के तहत छत्तीसगढ़ ने क्या किया है और छत्तीसगढ़ सरकार क्या करने वाली है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जितने भी मैंने यहाँ पर डेटा बताया, ये सारे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कैंपा के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। कैंपा का जो गठन है वो सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था
कि एक ऐसा अथॉरिटी का गठन किया जाए कि अगर आप जिस क्षेत्र में वनों का हास्य करते हैं, अगर मान लीजिए कि किसी क्षेत्र से होकर सड़क गुजर रही है, तो जितना वनों का नुकसान हो रहा है उतना नुकसान की भरपाई आप उस संबंधित राज्य को करें, और उस राज्य की ये जिम्मेदारी होगी कि आप उस पैसे का इस्तेमाल किसी और क्षेत्र में वनों को विकसित करने के लिए, वनों से संबंधित किसी प्रकार का विकास करने के लिए उन पैसों का इस्तेमाल करें। और इसी के तहत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में जो है वो कैंपा का गठन किया गया था। तो कैंपा का उद्देश्य याद रखिएगा किस प्रकार से किया गया था, और इसके गठन के पीछे का सारा इतिहास 2-3 लाइन में आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाल ही में कैबिनेट की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसमें से जो सबसे पहला फैसला है, छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड, इसका नाम बदल दिया गया है और अब इसका नाम होगा छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैसला राज्य सरकार द्वारा लिया गया है वो है छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना, जिसके अंतर्गत में 4 योजनाएं चलाई जा रही थी जिसका अवधि खत्म होने वाला था, लेकिन अब इन 4 योजनाओं की जो अवधि है वो 31 अक्टूबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये 4 योजनाएं किस प्रकार से है, तो 4 योजनाओं में से ये पहला योजना है खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का तकनीक उन्नयन स्थापना आधुनिकरण, और दूसरा है यहाँ पर उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी दोनों क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज को चयन करने के लिए, उसे संवर्धित करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए इससे संबंधित सेकंड स्कीम है, और थर्ड स्कीम है ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राइमरी यूनिट्स होते हैं प्रोसेसिंग के लिए उस क्षेत्र को विकसित करना, उसकी स्थापना करना, और चौथा जो है वो रीफर वाहन योजना, यानी कि जो प्रोसेसिंग यूनिट के तहत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रोडक्ट को पहुंचाया जाता है, तो उससे संबंधित ये योजना है, और ये चारों योजना को अब जो है 31 अक्टूबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके बाद कैबिनेट के फैसले में जो तीसरा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो है वन विभाग का नाम बदल दिया गया है, छत्तीसगढ़ वन विभाग का नाम बदल दिया गया है, और अब जो है इस विभाग का नाम वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कर दिया गया है, यानी कि अब वन विभाग जो है वो वन विभाग जलवायु परिवर्तन के नाम से जाना जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। पुटका पहाड़ जो कि कोरबा में स्थित है, इसके जंगलों में तितलियों की लगभग 100 प्रजातियों की होने की बात कही गई है, लेकिन जब शोध हुआ तो यहाँ पर 40 तितलियों की प्रजाति जो है वो इस क्षेत्र में पाए गए हैं, और यहाँ पर जो है दुर्लभ प्रजाति की तितली कॉमन ओनिक्स इंडिगो फ्लेक्स भी पाई जाती है, ऐसा दावा किया गया है। और अगर यहाँ पर मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो शोध के आधार पर वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में टोटल 159 तितलियों की प्रजाति पाई जाती है। इससे पहले 172 प्रजाति हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में तितलियों की कुल कितनी प्रजाति पाई जाती है, तो छत्तीसगढ़ में कुल तितलियों की प्रजाति जो है 159 पाई जाती है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देश में पहली बार चुनी जाने वाली है राष्ट्रीय तितली। हम राष्ट्रीय पशु के बारे में पढ़े, हम राष्ट्रीय फल के बारे में पढ़े हैं, राष्ट्रीय पुष्प के बारे में पढ़े हैं, अब चयन किया जाएगा राष्ट्रीय तितली का, लेकिन इसके चयन के प्रक्रिया में सरकार का कोई भी रोल नहीं होगा, यहाँ पर रोल होगा आपका और हमारा, यानी कि वोटिंग के आधार पर तय किया जाएगा कि राष्ट्रीय तितली कौन सी होनी चाहिए। वोटिंग आप भी कर सकते हो, वोटिंग मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है, और इसी वोटिंग के आधार पर तय किया जाएगा कि राष्ट्रीय तितली कौन सी होगी, और इसके लिए टोटल 7 प्रजातियों की जो तितली है उस पर आप वोटिंग कर सकते हैं, और इस 7 प्रजातियों में से एक जो तितली है वो दुर्ग और भिलाई में बहुत पाई जाती है, और इसका नाम है कॉमन जेजबेल, जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग और भिलाई में पाई जाती है। तो इस 7 प्रजातियों में एक तितली की जो प्रजाति है वो छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है, और ये 7 तितलियां जिन पर आपको वोट करना है या वोट कर सकते हो कि कौन सी तितली को राष्ट्रीय पक्षी होना चाहिए, उस 7 तितलियों का नाम यहाँ पर इस प्रकार से है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि पूरे ओवरऑल इंडिया में लगभग 1500 प्रजाति जो हैं वो तितलियों के हैं, और छत्तीसगढ़ में मैंने कितना बताया,
159, ये नवीनतम शोध के आधार पर है कि छत्तीसगढ़ में 159 तितलियों की प्रजाति वर्तमान समय में पाई जाती है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायगढ़ कृषि केंद्र भारत के सर्वश्रेष्ठ मसाला अनुसंधान केंद्र के लिए सम्मानित किया गया है। और रायगढ़ का जो कृषि केंद्र है वो इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में आता है। और रायगढ़ के कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र को जो है मसाला अनुसंधान केंद्र के लिए वर्ष 2019-20 के लिए जो है भारत के सर्वश्रेष्ठ मसाला अनुसंधान केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया है। रायगढ़ केंद्र को यह सम्मान हल्दी, अदरक, धनिया, मेथी, अजवाइन आदि मसाला फसलों की नई किस्मों के विकास, उस पर रिसर्च करने, फसल सुधार से संबंधित कार्य करने हेतु दिया गया है। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि रायगढ़ कृषि महाविद्यालय में जो मसालों से संबंधित अनुसंधान केंद्र है उसकी स्थापना जो है वो 1996 में की गई थी। तो इस तरह से मसालों के रिसर्च पर भारत सरकार द्वारा 2019 और 20 के लिए रायगढ़ कृषि महाविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है। और यह जो महाविद्यालय है वो इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में आती है जो कि रायपुर में स्थित है। क्लियर है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, डॉक्टर सी वरन को छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। यह अपॉइंट प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन एक्ट 2005 की धारा 36 की उपधारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉक्टर सी वरन शुक्र को 70 वर्ष की आयु अथवा 3 वर्ष की अवधि के लिए, इन दोनों में से कोई भी पहले आ जाए, या तो ये 70 वर्ष के हो जाएं या तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष पूर्ण हो जाए, दोनों में से जो पहले आ जाए, इतने समय तक के लिए जो ये हैं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। इसके बाद आज के इस एनालिसिस वीडियो में लास्ट का टॉपिक है, पूर्व आईजी रविंद्र भेड़िया का निधन हो गया है। ये आज से 3 वर्ष पूर्व रिटायर हुए हैं। और खास इंपॉर्टेंट बात इसमें ये हो जाता है कि वर्तमान समय में जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं अनिला भेड़िया, इनके पति हैं, ये पूर्व आईजी रह चुके हैं, हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो रविंद्र भेड़िया के बारे में आप लोग एक दो पॉइंट यहाँ पर और ध्यान रखिएगा। तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। अगर आप CGPSC 2020 और 21 की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो कंपटीशन कम्युनिटी अपने ऑनलाइन कोर्सेज और बुक्स पर आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट दे रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ी बात यह है कि अगर आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी तो करना ही होगा, तो यहाँ पर प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो हमारा कोर्स है वो आपको सिर्फ 6,999 रुपये में दिया जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि प्रदेश में इतने सस्ते में कोई भी आपको CGPSC का प्रीलिम्स और मेंस दोनों तैयार करवा दे, वो भी हाई क्वालिटी वीडियोस के साथ में। तो मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो जिनका कहना ये था कि सर आप बहुत प्रमोशन करते हो। तो हाँ, मैं प्रमोशन करता हूँ, और मैं प्रमोशन इसलिए करता हूँ कि अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, अगर मैं किसी का मदद कर सकता हूँ, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी लोग रहने वाले बच्चे हैं एक अफोर्डेबल प्राइस पे, जो वो अफोर्ड कर सकते हैं इतने कम प्राइस पे, वो भी अगर प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो उनका हक है कि वो करेंगे। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी अगर तैयारी करना चाहते हैं, उनके पास में पैसे की कमी है, तो भी वो कर सकते हैं, इतना कम प्राइस रखा गया है। तो आप भी इस ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं। 13, 14 और 15 अक्टूबर तक के लिए यह ऑफ़र है, सिर्फ 3 दिनों के लिए है। और अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर लीजिएगा हमारी वेबसाइट, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, तो इस ऑफ़र का लाभ उठा लीजिएगा। चाहे बुक्स हो, चाहे कोर्सेज हो, चाहे ACF के कोर्स हो, चाहे प्रीलिम्स का कोर्स हो, चाहे प्रीलिम्स प्लस मेंस हो, तो इस ऑफ़र का लाभ आप जरूर उठाइएगा। तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सिर्फ 3 दिन, 13, 14 और 15 अक्टूबर को कंपटीशन कम्युनिटी अपने ऑनलाइन कोर्सेज और बुक्स पर देने जा रहा है फ्लैट 50% का डिस्काउंट। तो घर बैठे बेहतर तैयारी के लिए इस ऑफर का लाभ उठाएं, और अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट competitioncommunity.com, या आप हमें कॉल करें। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।